अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। पहली तो बल्कि दो बातें हैं, दस्ती दस्ती कर लूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यार मैंने जो वीडियो बनाई है ना, वो शिव की, जो शिव का गाना था वो बिल्कुल भी ब्रो उसको हेड नहीं है। मैंने उससे बात हुई, उसने उससे बात की और मैंने कुछ भी ऐसा कोई गाली गलोच या ऐसी की चीज़ नहीं की। तो लोग कह रहे हैं शिव के पास जाके कि न्याजी ने जैसा ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका मुझे मैसेज आया तो उसको थोड़ा सा हेट आ रहा है। ऑब्वियसली उसके कुछ पटे शटे वैसे भी चल रहे होते हैं, तो वो वीडियो बनाई। तो ब्रो उसको हेट ना दो यार बेफजूल का, मतलब मैंने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बनाई है ब्रो, ये न्याजी एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे रोस्ट भी होगा, व्लॉगिंग भी होगी, ट्रोल भी होगा, रिएक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, तो मैंने सब कुछ करना है। तो प्लीज़ बिना वजह जाके उस बंदे को तंग ना करो भाई अपना। खैर एम ही है रफ्तार, ये डिस गाना है ये डिस गाना नहीं है, ये डिस गाना है। तो हाँ बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और इसके व्यूज़ जहाँ तक मैंने सुना इसलिए कम आए थे, इसका गाने का नाम कुछ और था और उसकी वजह से YouTube की पॉलिसीज की वजह से इसको गाने को ज़्यादा हाइप नहीं मिली। और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो इस तरह सकता है क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ब्रो मैंने यहाँ पर रगड़ाई है ना YouTube पे, तो मुझे पता है क्या चीज़ किस तरह ऊपर नीचे जाती है। ये TikTok वाला वाइब है थोड़ा, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो हाँ एम ही है रफ्तार डिस, ये डिस गाना है, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। पिछली बार लोगों ने बोला था कि रफ्तार के पास बजट और टीम ना, तो इस बार बजट पर टीम तो है। कभी तू कहता है मैं हिप हॉप नहीं, कभी तू कहता है मैं सिर्फ रफ्तार को सुनता हूँ, इस बार इस शोर नहीं सिर्फ बार्स। 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर, खासियत मेरी तेरी हाथों में तू खोल कर, पाइप पे विराट हूँ मैं बेटा सारा बॉल कर, बेटा लॉजिकल मुझको ना बोर कर, तूने तेरे गाने में बोला मैं तेरा दौड़ा, बोला मेरे जैसा ही तू कर पाए फ्लो ना, चाबी वाला बंदर ताली मारे वो खिलौना, मैं खुद भी ना लंबा तू मुझसे भी। ये चाबी वाला बंदर, इसका यहाँ से नाम रखा गया है जो डिवाइन ने बाद में इस्तेमाल किया था। अरे बैच मुझे को क्यों नहीं पता ना, ए, कैसे करेगा तू बेटा मेरा सामना, मेरे बिना इतना होता तेरा नाम ना, वो भी जाने अब जो बिना था जानता, चल बेटा सारा चिट्ठा खोले तेरे काम का, चट्टी माल वाली आंटी, आंटियों के पीछे तू और घंटी वाला मिश्रा, कुछ भी ना खा माल वाली आंटी। ब्रो मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि इसका गाना माल वाली आंटी, सुन मैं सुनूंगा ब्रो, मैंने सुना है काफी क्रिंज है लेकिन हाँ देखेंगे। इतिहास बकवास तेरा, खुद से ना होता था तो तब से मैं किस रहा, तेरे अंदर ही होए, अंदर ही होए, कुछ भी ना खास इतिहास बकवास तेरा, खुद से ना होता था तो तब से मैं किस रहा, बेटा रा 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 फील्ड में तो हम ही तेरे पापा पा, बेटा खोया हुआ शेर ना जगा गा गा, ओ बंदर टपुसिया ना खा खा खा, मैंने अभी भी निशाना नहीं दागा, तेरा कुछ भी ना करेगा तू भागा, मुझे इल्म है अपनी जगह का, मेरा पूरा जंगल तेरा है इलाका, लगे ब्रो ये फैक्ट है ब्रो, आज भी यही सीन है। हाँ दो तीन साल गुजर गए लेकिन स्टिल ब्रो हाँ है भाई, तू नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं। हाँ मैं हूँ रागा, मिली राहत तुझे मैंने बड़ा किया पूरी हुई चाहत, बॉडी और बोली में तेरे से ज्यादा ताकत, लेकिन गाऊं गाने में तो चलते हैं कागज, बंटाई की पब्लिक को ठंडाई पिलाओ, बंटाई बड़ा हुआ मिठाई खिलाओ, बाजी से किसने मिलवाया था वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ। कौन सा गाना था इसका, को ठंडाई पिलाओ, बंटाई बड़ा हुआ मिठाई खिलाओ, बैज म्यूजिक बाजी से किसने मिलवाया था वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ। इसका कोई गाना आया था इनके साथ, अंडरग्राउंड लेके आया मेन स्ट्रीम में, इंडिया को बांटा तेरी मेरी टीम में। मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ अंडरग्राउंड के साथ मेन स्ट्रीम, इसका बहुत बड़ा ब्रिज है ब्रो रफ्तार, वो जो ब्रिज होगा ना उसका नाम रखा जाएगा रफ्तार। हाँ मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि रफ्तार ने कौन सा अंडरग्राउंड के अंदर सीन किया हुआ है, मैं भूल गया हुआ था, मुझे बाद में याद आया कि हाँ काफ़ी गाने हैं जो रफ्तार के। भाई मैं कौन सा स्क्रिप्ट लेके बैठा होता हूँ कि यहाँ पे रखा हो तो मैं याद कर करके बोल रहा हूँ, फ्लो में होता हूँ तो गलती कर देता हूँ, लेकिन मैं माजर चाहता हूँ मेरे को बाकी में भूल गया होता। और ये गाना मेरे दोस्त को रट्टा हुआ है, एक दिन में तो मिल तो फील ले, मेरे बिना होता ना ये पूरा तेरा ड्रीम, मैंने जितना हिप हॉप किया है देख गूगल पे डाल के, तू पीपल्स चॉइस अवार्ड है ना, मैं दादा साहेब फाल्के, ये पैसा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड।
माँ तो जीत गई। तो हाँ ये समझ में आया कि उसमें बोला था ना ये बंदा, पैसा मत कर मेरी मार्केट वैल्यू बता दे बेटा, देना तेरे बस की नहीं, तू खुद किसी की कॉपी है, एनीमे हेंटा है, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं, माल नकली तो कश जो भी भरता है कानों में से 10 कॉपी करता है। ब्रो ये मैं चीज मानता हूँ, कोई माने ना माने भाई, मुझे पता ना एमए में बंटा ने पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर है या जिसे हम कहेंगे जो उसने लुक बनाई हुई है, जो उसका यो स्वैग है, वो बहुत ज्यादा रस से मिलता है। सीधी बात है ब्रो, वो हाँ उसने बोला हुआ है, मैंने सुना है कि वो कहीं इंस्पायर्ड है उससे या ये है, लेकिन ब्रो कितने लोग हैं जो माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड, क्या सारे के सारे, लेकिन वो अपनी जगह बनाते हैं। वो जैसे अंजुम है, उसको पाक पसंद, अब वो उसकी तरह है कि 24 घंटे अटेंड करा के फ्री जाए और इस तरह करी जाए, मतलब समझ रहे हो ब्रो, अपनी पहचान भी बनानी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो हाँ ये जो गाना भी आया था, ये भी रस की इस तरह की वीडियो थी, उसका गाने का नाम क्या था मुझे भूल गया यार, एक बहुत मशहूर गाना है यार, जेल से निकल गया मुझे, और एक सब कुछ न्यू, वो भी सारी वीडियो रस के गाने से उठाई हुई थी। तो हाँ ये भाई देखो, तुम नहीं मानते ना, नजर आता, जो नजर आता है भाई फिर बात करनी पड़ती है। हम जाने की तू कब कॉपी करता है अंग्रेजी रैपर, ए ए एंड एंड ऐसे कॉपी करता है, उसकी तरह करी चाल तूने, बाल तूने, वो है असली तू नकली का कार्टून है, शुरू में देख लिया सारा बवाल तूने, बात कर सकते थे आगे किया गाल तूने, मेरे खुद ही किया सारा बवाल तूने, बात कर सकते थे आगे किया गाल तूने। जो बात है ब्रो, ये बात खत्म हो सकती थी लेकिन नहीं, इधर चांट इधर चांट, फिर होगा इस तरह सीन। मैंने तुझे दिल्ली ना बुलाया, तू घर मुंह फाड़ के था आया, किस तरह उसने यूज किया, तू घर मुंह फाड़ के पे आया और मुंह अरे ओ, अब तो इनके साथ भी कोई नाता नहीं रफ्तार का। उसने ही तेरा साइफर कराया और तूने बोला मैंने तुझे टोपा पहनाया, मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर, तेरी पहनी थी मैंने मेरे सर पर, वीडियो में प्रूफ है तू झूठ बोले डर कर, सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर, तुझे सच लगे बड़ 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 बड़, तुझे होने लगी हड़ बड़ हड़ बड़, तू बोले कि तू झाड़ है कंजर, होगा बंजर तू भी झड़ कर, खंबे मंत्र नहीं चलते मुखा दे जिनको हंटर। ब्रो ये कौन सा गाना यार, इस गाने का नाम ऐ तो सुनिए ना जरा, मजे तो लिए किसी चीज दे नहीं लगते, चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं रखते, मैं रॉकेट हूँ बेटा पे पंचर नहीं लगते, ऐ बेच गई समझ आई तनु, तनु समझ आई सानू पंचर नहीं लगते, करूँ टेक ऑफ मैं इसके बाद मुना लगूंगा, तू फेक बहुत है, जब काम होते हैं तो होता चेक बहुत है, तू 10 मार मेरा बेटा एक बहुत है, या मैंने थप्पड़ निकाला था 2013 में सबको हिला डाला, मैं दंगल में आया था शोहरत कमाई और औरत भी का डाला, मैं था तू स्टूडियो पे डीप इन वीडियो में तुझसे पहले रेडियो पे, चलू तेरे एरियो में बेटा शेर हूँ चमकता हूँ बीस वीडियो के, ये छोटी वाले लेडी बॉय देंगे टीडियो के, इतना आता ना तू ऊपर बिना मेरी सीडियो के। यार इस बात को कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करता कि रफ्तार का बहुत बड़ा हाथ है अंडरग्राउंड के, ब्रो वो ना रिप्लाई देता, ये डिसी ना ऊपर जाता, क्यों नहीं कोई मानता। इसे कहते हैं पेबैक, पेबैक हो जाए इजी, आजा चीजें करूं लेबैक, एनीवेयर एनीवेयर एनीडे, ब्रो तू फनी है तू लवली है तू लवली है, एनीवेयर 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 एनीडे, ब्रो तू फनी है तू लवली है तू लवली है, छोटी सी खुटी सी नीयत है गंदी, समझ में कमी है अकल है मंदी, तू तेरा फायर है बातें हैं ठंडी, एक चिल्लाता तू अर्जी फ्लो तेरा फायर है बातें हैं ठंडी, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की, समझ में कमी है अकल है मंदी, थ्रो तेरा फायर है बातें फ्लो तेरा, अच्छा थ्रो ते ओ सॉरी सॉरी फ्लो गया, हां बस वो ही हो गया ना कहीं थ्रो तेरा फायर है ये है ठंडी, एक चिल्लाता तू और चिल्लाती है मुझसे बेड़ा, थ्रो तेरा फायर है बातें हैं ठंडी, एक चिल्लाता तू और चिल्लाती है मुझसे बेड़ा है, तू चिंता पत्थर फिर भी करूं तेरी चिंता मगर, पागल है पगले में पगलों का डॉक्टर, जब काटूं मैं धड़ से तू चिंता ना कर, बीट स्विच हो गई खुद स्विच हो गया ब्रो रफ्तार ए। तू क्या बोलता है यार कि रैपर डांस नहीं कर सकता, अबे टूपाक ट्रेन बैले डांसर था, पीडी बैकग्राउंड डांसर, और कॉमन ना बहुत बड़ा बी बॉय है, खुद भी तो ये डांसर है बैंचो, दिए क्या तेरी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने, बहुत कोशिश करी है तूने उसमें डांस करने की, फिर बात पलट रहा है रियल रहा है, तू इंग्लिश भी गाया तू नाचा भी ब्रो, मेरे जितना बड़ा तेरा ढांचा नहीं ब्रो, मैं खांदा नहीं ब्रो झूठा खाता नहीं ब्रो, तेरी बातें सुनूं मैं तू राजा नहीं ब्रो, और हैशटैग सड़क ब्रो
ब्रो रफ्तार जीत गया, मान लो रफ्तार जीत गया। बाजी में फिर लिख के गा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बातें हमारी थी होरी। हैशटैग सड़ा किसने नहीं आया, क्योंकि कभी मैं किसी कभी तू। प्रूफ में स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ, पर नहीं जिसको जिसपे यकीन करना है करे। मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ। एक तो पेटी नहीं बेटा, एक दिल का धोखे में खाता हूँ। तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो, कभी दिल करे तो शुक्रिया बोल दियो। गॉड ब्लेस यू। सर एवी तेरी ना फैन असी ब्रो बंदा है, उसने वाकई में सीन चेंज कर दिया एमी वे का। ब्रो मेरे लिए, मैं इसलिए रफ्तार की सर कहता हूँ कि लोग उसको पॉलिटिशियन और पॉलिटिक है वगैरह, ब्रो उसका माइंडसेट बहुत तेज है ब्रो। उसने स्ट्रगल, मैं बार बार कहता हूँ, जब बंदा अपनी रगड़ता है ना तो फिर वो कहता है ना कि तो जब धोता भी नहीं था मैं अपनी रगड़ता था, तो गोला साहब है ब्रो, उसने मेहनत की है यार। मजाक है, नहीं मजाक हो रहा है, कोई शुगर लगाए थे? अरे बाप रे, एक एक चीज़ का जवाब दे दिया मेरे ख्याल से। इसके बाद मेरे ख्याल से ना तो डिसाया इसके बाद रफ्तार को, ना तो बनता था ब्रो, तेरी हर चीज़ का जवाब दे दिया तूने। वो शो की बात की ब्रो, हैशटैग सरक उसकी बात की, मेन चीज़ें तो यही दो तीन थी। तू मान ब्रो, तू मान, तेरे को फेम मिला रफ्तार के बाद ब्रो। मुझे पता है नीचे भी आके नहीं 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 इसने तो कृष्णा को, तो मैंने कब कहा, लेकिन ये चीज़ भी फिर मानो कि कृष्णा को मिला है, तो भाई एमी वे को भी फेम रफ्तार की वजह से मिलना है, सारी जिंदगी याद रखना ब्रो। क्या कर रहे हो, 3 लाख सब्सक्राइबर थे, थ्री लाख क्या बोलते हैं उसको यार, 300K सब्सक्राइबर थे, आज 12 मिनट, वो फर्क पड़ा ब्रो? क्यों झूठ बोलते हो, ना झूठ बोलो यार। और ये गांडू लोग कुछ, ये रिएक्शन कुछ, मैं किसी के, मुझे पता सब कमाने के लिए है, अच्छी बात है, करना चाहिए, उनकी मर्जी है, यूट्यूब ने कोई पॉलिसी थोड़ी लगाई हुई है कि नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि सच तो बोलो कम से कम यार। तुम्हारा एक सच ना, तुम्हारी एक बात, अभी मैंने एक रिएक्शन में देखा वो बहुत चुकता है, अच्छी बात है, चुकने चाहिए, तुम्हारी बोरी छोटी बन जाएगी, तो उसने जी बात ही घुमा के कर दी। अब वो जो इम्पैक्ट पड़ता सारे लोगों के जेन में वही पड़ जाता, तुम्हारे पास ऑडियंस बढ़ी है 3-4 लाख अगर तुम्हें सब्सक्राइबर, तो कम से कम तुम रिएक्ट कर रहे हो तो सच तो बोलना ब्रो, लाइक से डिसलाइक लोड़े पे चढ़ गए, तू बोल सच। तो वो जब बोलते हैं तो फिर सारे यही बात करते हैं ब्रो। रफ्तार बहुत आला है, बहुत आगे की है बात उसकी, वो बहुत पहले से कर रहा है, बहुत कुछ वो ले बैठा हुआ है, बहुत कमा बैठा हुआ है, तुम नहीं कर पाएंगे। शायद रफ्तार के साथ कोई और होता तो हाँ, कोई बड़ा होता या उसके ऊपर तो शायद अपन कह सकता कि हाँ रफ्तार कहीं हिल रहा है, लेकिन नहीं था ब्रो, नहीं था। मैं बहन चुकी यहाँ पे रफ्तार के ऊपर डिस्ट्रैक्ट ना हो, मेरे 1-2 लाख वो आ जाने व्यूज, ट्राइक टट्टी गाना क्यों ना हो, मान लो ये बात, नहीं मानोगे मुझे पता, तुम लोगों ने कहा तुम लोग अंधे हुए हो यार, हक और हक की ना बात करा करो। मुझे रफ्तार पसंद नहीं है, लेकिन रफ्तार का जो रैप है पसंद, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हक नज़र आता है मुझे, गलत और सही नज़र आता है ब्रो। उसे सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया। अब मुझे पता है ना सब लोगों ने क्या बात करनी है, और एमी वे ने भी की होगी अगले ट्रैक के अंदर, ये व्यूज़ कम है, व्यूज़ कम है, ठीक है भाई व्यूज़ कम है, फैक्ट्स की बात है। तुम बीफ कर रहे हो ब्रो, तुम कोई अपना रैप नहीं निकाल रहे कि हाँ इससे ज़्यादा व्यूज़, तो ये बीफ है, इसमें फैक्ट्स पे बात होती है, फैक्ट्स किधर है तेरे, ये बात। मैं समझता हूँ कि एमी वे भी कहीं ना कहीं गुस्सा कर गया होगा, मैं अभी होता तो मैं ज़्यादा छोटा बंदा होता तो मेरे अंदर दिल में टूटता कि यार ऐसे क्योंकि, लेकिन बाद में हक की बात को भी आगे रखो। मिलता हूँ हम लोगों किसी अगली वीडियो पे, तब तक एक तो मेरे प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाता है, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।